लिए और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 की चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान की जो शिक्षक है उस शिक्षक की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको सामान्य विज्ञान का शिक्षक क्या है उसके सामान्य जानकारी के बारे में अवगत कराया था। आज का जो टॉपिक है इसी के अंदर टॉपिक है सामान्य विज्ञान शिक्षक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सामान्य विज्ञान का जो शिक्षक है उस शिक्षक के अंदर निम्न प्रकार की जो विशेषताएं वो होनी चाहिए। सबसे पहले नवीन मूल्यों को स्वीकार करने वाला, सबसे पहले विशेषताएं की जो नवीन मूल्यों को स्वीकारने वाला, पहली विशेषता बताई है कि जो शिक्षक हैं उसके अंदर समय पर परंपरागत रूप से जो शिक्षण पद्धति चली आ रही है उस शिक्षण पद्धति में नवीन जो शिक्षण विधियां हैं उसको अपनाई जाए। उसको अपनी जो परंपरागत शिक्षण विधि है उसको छोड़कर जो नवीनतम शिक्षण विधियां हैं, नवीनतम जो प्रणाली है उस पाश्चात्य कल्चर से जो वर्तमान जो कल्चर चल रहा है उसके अंदर अपने आप को ढालने वाला उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है व्यक्तित्व को, आज की जो जनरेशन है वो सभी आजकल जो जमाना है वो डिजिटल, जैसे आज क्लास चल रही है जो संचार के साधनों के विकास के कारण ही आज की जो क्लास है वो डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास हम दे रहे हैं। तो शिक्षक भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे समय बदलता रहता है उसी समय के अनुसार उसको भी अपनी जो दिनचर्या है, अपना व्यवहार है, अपनी शिक्षण विधियां हैं उसके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदलते रहना चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञाता एवं ज्ञान आधारित व्यक्ति, विषय वस्तु का ज्ञाता एवं ज्ञान आधारित व्यक्ति। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञाता एवं ज्ञान आधारित व्यक्ति, यानी जो सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं उस सब्जेक्ट के प्रति उसको समस्त फोकस होना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट के अंदर कौन उद्देश्य है, कैसे उद्देश्य है, बालकों के अंदर उस सब्जेक्ट के माध्यम से क्या प्रेषित करना चाहता है, यानी उसको अपने विषय का संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, अपने विषय के प्रति उसको पकड़ होनी चाहिए। ताकि विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कई कई हम पढ़ाते हैं तो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है कि संभावित जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें शिक्षक के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक को समय समय पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि उस समय शिक्षक द्वारा उस प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से या बच्चों के लिए जो बच्चा चाहता है उस तरह का उसको आंसर ना मिले तो वो हतोत्साहित हो जाता है और उस विषय में रुचि नहीं लेता है। उस विषय को पढ़ने के लिए रुचि तभी लेगा जब शिक्षक को उस विषय के प्रति संपूर्ण जानकारी होगी, और संपूर्ण जानकारी शिक्षक तभी रखेगा जब वो अपने उस विषय को अपने दिल से अपनाएगा, उस विषय को एक अध्ययन शिक्षक कार्य नहीं समझेगा बल्कि अपने पेशे समझेगा भी नहीं, उसके प्रति उस शिक्षक को पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अपने विषय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होगा तभी वो विषय के प्रति रुचि लेगा, और रुचि लेगा तो रुचि से ही पढ़ाएगा तो उसके द्वारा जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं वो भी उसमें अपनी सक्रियता दिखाएंगे। तीसरा है छात्रों के संज्ञानात्मक विकास का गहन अध्ययन करने वाला, छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के गहन अध्ययन करने
सकेगा और उसी के द्वारा वो अपने जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उस समस्याओं से भी अवगत हो सकेगा और उसके निराकरण के समाधान से भी अपने विवेक के द्वारा उसके निराकरण को दूर करने का प्रयास भी करेगा। फिर है फोर्थ, निर्मितवादी सिद्धांत को स्वीकारने वाला। निर्मितवादी सिद्धांत को स्वीकारने वाला, वैज्ञानिकता को बहुत ही बढ़ावा दिया गया है क्योंकि विज्ञान का नाम ही होता है कि करके सीखना। विज्ञान से ही वैज्ञानिकता का निर्माण हुआ है। विज्ञान विषय के प्रति यदि उसको जो नवीन विज्ञान से संबंधित जो नवीन आविष्कार हैं और विभिन्न प्रयोग हैं उसके बारे में उसको समय समय पर अवगत करते रहना चाहिए कि नहीं विज्ञान विषय के प्रति आज ये प्रयोग जागृत हुआ, इस वैज्ञानिक ने ये प्रयोग किया, तो जो नवीनतम चीजें बना रही उपकरण बने उसके बारे में उसको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और वही जानकारी वो कक्षा कक्ष में बालक के द्वारा यदि प्रश्न पूछा जाए तो बालक के समक्ष प्रस्तुत भी कर सकेगा। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग में संकुचित राष्ट्रीय विकास में आस्था रखने वाला। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संकुचित राष्ट्रीय विकास में आस्था रखने वाला।
पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या संतुलन, जैसे मूल्यों में विश्वास करने वाला, आदर्शों में, मूल्यों में विश्वास करने वाला, कि एक शिक्षक के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्य, समाजवाद, किसी धर्म में आस्था न रखना, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण बालकों को इस चीज के बारे में अवगत कराने में सफल होगा। यदि वो इस चीज में आस्था नहीं रखता है तो बालक भी उससे क्या सीखेंगे, क्या जैसे शिक्षक के गुण होंगे वैसे ही बालक के अंदर वो गुण निर्मित हो जाएंगे। इसलिए शिक्षक को प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्म, पर्यावरण संबंधी गुण जो मूल्यों में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। फिर एक देश के उज्जवल भविष्य में विश्वास रखने वाला, देश के उज्जवल भविष्य में विश्वास रखने वाला। शिक्षक के संदर्भ में कहा था कोटारिया ने कि आज की जो देश का भविष्य है वो कहाँ पढ़ रहा है, उसकी कक्षाओं में, तो कक्षाओं के माध्यम से ही बालक के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का हम विकास कर सकेंगे। ये तब करेंगे जब शिक्षक के अंदर अपने व्यक्तित्व का विकास होगा, राष्ट्र प्रेम की भावना होगी, तभी वो बालक के अंदर उस भावना का संचार कर सकेगा। फिर नहीं तो वह व्यक्ति जो समता और समानता में विश्वास रखता हो, समता और समानता में विश्वास रखने वाला, समता की सभी को पढ़ाई जैसे पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त हो, सभी को बोलने का अधिकार प्राप्त हो, सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो, कोई किसी के अधिकारों का हनन न करे, और उसी के साथ में जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनकी भी सुरक्षा करने में वो अपना सक्रियता से योगदान दे सके। यदि किसी व्यक्ति को या किसी बालक को शिक्षा से वो वंचित है तो उसको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति का प्रदर्शित करना चाहता है तो उसको अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए जो शिक्षक हैं वही उस बालकों को उसके अधिकारों के बारे में अवगत करा सकता है। फिर पाठ्यचर्या सुधार में सक्रियता से भाग ले कि टेंथ में लिखवाने नहीं हो कि उसका जो व्यक्तित्व होगा वो ऐसा होगा कि जो पाठ्यचर्या है यदि बालक की पाठ्यचर्या में सुधार करना है तो उसको उस बालक की पाठ्यचर्या के बारे में एक सारणी बनानी चाहिए और उस पाठ्यचर्या के सुधार में क्रमबद्धता से उसको सक्रिय होकर उस बालक के अवलोकन बालक का अवलोकन करना चाहिए और उसके सुधार के लिए उसको आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए जिससे छात्र के लिए वो एक आदर्शता का प्रेरक बन सके। फिर ये छात्रों के संवेगात्मक विकास का प्रयास करने वाला, संवेगात्मक विकास छात्र की मानसिक जो ज्ञानेंद्रिया है उस ज्ञानेंद्रियों का विकास करने वाला भी, उसको मार्ग प्रदर्शन करने वाला भी एक व्यक्तित्व होना चाहिए। फिर
होना चाहिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी